कमर में दर्द, गाढ़ा तेज पेशाब आना, पेशाब में जलन, ओवरऑल बॉडी में वीकनेस रहना, ये सब गुर्दे की पथरी की निशानी हो सकती है। नॉर्थ इंडिया में इंटेंस समर्स है, गर्मी के सीज़न है, पानी कम पीते हैं और डिहाइड्रेशन से और पसीने से किडनी स्टोन्स नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में स्पेसिफिकली, बहुत कॉमन है। किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी वैसे तो लगता है कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, कभी बीमारी करेगी नहीं, पर किडनी स्टोन आपके किडनी के लिए घातक हो सकता है। What are the side effects of kidney stones? ये स्टोन इन्फेक्शन करते हैं, किडनी में ब्लॉकेज करते हैं, किडनी की नसें खराब करते हैं, फिल्टरिंग कैपेसिटी कम करते हैं, पस पड़ा सकते हैं, गुर्दे को कम्प्लीटली ख़राब भी कर सकते हैं। और किडनी स्टोन की सर्जरी से लोग डरते हैं, हर मरीज़ चाहता है कि उसको किडनी स्टोन ना बने, और बन गया है तो क्या दवाइयों से किडनी स्टोन निकल सकता है। कई बार किडनी स्टोन दवाइयों से निकल जाते हैं, कई बार किडनी स्टोन में सर्जरी करनी पड़ती है, पर कितना अच्छा हो कि अगर किडनी स्टोन बने ही ना। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको किडनी स्टोन की हिस्ट्री है या किडनी स्टोन है तो इस किडनी स्टोन का अप्रोप्रिएट इलाज कराया जाए। कई बार मरीज़ अननेसेसरीली इलाज को डिले करते हैं या सिम्टम ना होने पर सोचते हैं कि बीमारी तो ख़त्म हो गई, पर यह स्टोन किडनी के अंदर पड़े पड़े किडनी को ख़राब कर सकते हैं। मेरा इंटेंशन आपको डराना नहीं, मेरा इंटेंशन आपको अवगत कराना है कि आप सही समय पे स्टेप लेके अपनी किडनीज को सेव कर सकते हैं। How many treatments are available for kidney stone? किडनी स्टोन के तीन तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर छोटे हैं, अर्ली स्टेज में है, तो सिर्फ दवाई भर से स्टोन निकल सकते हैं, और लेटर स्टेजेस में आजकल नॉन सर्जिकल ऑप्शन जैसे शॉकवेव थेरेपी या RIRS आपके किडनी स्टोन के लिए अवेलेबल है। How to know whether you have kidney stones or not? सिर्फ एक ज़रूरी जांच जिसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, कराने से आपको पता चल सकता है कि आपको किडनी स्टोन है या नहीं, और इन स्टोन्स ने आपकी किडनी को कहीं डैमेज तो नहीं किया। If you have kidney stones, then whom should you get checked? तो इस समर्स मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आपको अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स है तो आप अपने पास के यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, या एटलीस्ट अपने किडनीज का अल्ट्रासाउंड कराइए। हो सकता है कि आपको किडनी स्टोन हो और सिर्फ कुछ डायटरी चेंजेस से और कुछ सिंपल दवाइयों से आप किडनी स्टोन से निजात पा सकते हैं। तो अगर आपको किडनी स्टोन है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, उसका प्रॉपर इलाज करिए। किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट नॉर्मली यूरोलॉजिस्ट करते हैं, और अगर आप अच्छे यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। What are the five simple precautions for kidney stones? तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी पांच चीज़ें जो आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी किडनीज रहेगी सेफ और आपको किडनी स्टोन नहीं बनेगा। पहला, पानी। तो आपको लार्ज अमाउंट में वाटर इनटेक करना है जिससे आपको डिहाइड्रेशन ना हो। लार्ज अमाउंट मतलब 10 लीटर नहीं, लार्ज अमाउंट मतलब आपकी बॉडी वेट से 4 गुना। अगर आपका बॉडी वेट 70 किलो है तो 2.5 लीटर तक पानी आपको रिक्वायर्ड है। गर्मी है, पसीना है, एक्सरसाइज है, तो आप थोड़ा पानी बढ़ा सकते हैं। सेकंड, नमक का इंटेक। आपको नमक डाइट में कम लेना है। अगर आप डाइट में कम नमक लेते हैं तो भी आपको किडनी स्टोन नहीं बनेंगे। तीसरा, दूध। लोग डरते हैं दूध लेने से, लोगों को लगता है कि दूध पियेंगे तो कैल्शियम बन जाएगा, उससे किडनी स्टोन बनेंगे। नहीं, दूध विटामिन डी और कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ही किडनी स्टोन प्रिवेंट करते हैं। दूध जब लेते हैं अच्छी क्वांटिटी में तो आपके अंदर जो ऑक्सलेट है, दूध उसको चिलेट करता है और आपके किडनी स्टोन बनने का चांस कम हो जाता है। हरी सब्जियां और टमाटर, वैसे खाने में डले तो ले सकते हैं, पर अगर आप टमाटर, कच्चा टमाटर सलाद में और हरी सब्जियों का सेवन थोड़ा कम करेंगे या बंद करेंगे तो आपको किडनी स्टोन बनने का रिस्क ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, नॉन वेजिटेरियन फूड, अंडा, चिकन, फिश कम मात्रा में, रेड मीट मतलब कि लाल मांस बिल्कुल नहीं। अगर आपको किडनी स्टोन की हिस्ट्री है या किडनी स्टोन बनता है फैमिली में तो आपको रेड मीट का इंटेक नहीं लेना चाहिए। रेड मीट से यूरिक एसिड बढ़ता है और उससे किडनी स्टोन बनने का चांस बढ़ जाता है। तो अगर आप ये पांच सिंपल प्रिकॉशंस जो कि पानी, नमक, दूध, हरी सब्जियाँ और रेड मीट, इसको प्रॉपरली अपने डाइट में ठीक रखेंगे तो आपको किडनी स्टोन बनने की संभावना कम से कम होगी। Is there any medicine for kidney stones? Yes, किडनी स्टोन को दवाई से मैनेज कर सकते हैं, पर हर किडनी स्टोन को नहीं। तो किडनी स्टोन को दवाई से मैनेज करने के लिए पांच क्राइटेरिया फुलफिल होने जरूरी है। पहला, स्टोन का साइज 1 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। दूसरा, एक सिंगल स्टोन होना चाहिए, ज़्यादा स्टोन नहीं होने चाहिए। तीसरा, किडनी में कोई भी रुकावट या सूजन नहीं होनी चाहिए। चौथा, किडनी के अंदर कोई पस इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और पांचवा, मरीज को डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर एक सिंगल स्टोन है, नॉन डायबिटिक पेशेंट है और किडनी में कोई रुकावट नहीं है तो हम 1 सेंटीमीटर तक के स्टोन को दवाइयों से निकाल सकते हैं, और अच्छी दवाइयाँ हैं जो इसमें काम करती है। पर अगर आपको मल्टीपल स्टोन्स है, आपके किडनी में सूजन, इन्फेक्शन आया हुआ है
और आप डायबिटिक है तो ये स्टोन्स आपके किडनी को ज़रूर ज़रूर ख़राब करेंगे, KFT बढ़ाएंगे, और जब किडनी ख़राब होती है तो डायलिसिस करना पड़ता है। तो क्या दवाइयाँ है जो किडनी स्टोन को घोलती है, तो वो डिपेंड करता है कि किडनी स्टोन किस चीज़ से बना है। तो जब भी पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किडनी स्टोन के लिए आते हैं, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि उनका किडनी स्टोन किस किस चीज़ से बना है। यूरिक एसिड का है, ऑक्सलेट का है, फॉस्फेट का है, कैल्शियम का है, मैग्नीशियम का है, और जिस मटेरियल से स्टोन बना है उसी मटेरियल के हिसाब से उसको दवाई दी जाती है, और उस दवाई के बेसिस पे हम वेट करते हैं किडनी स्टोन को घुलने का। तो स्टोन कई बार महीने में घुलता है, कई बार दो में, कई बार तीन में, तो हमें ज़रूरी है कि घुलने के प्रोसेस के ड्यूरिंग पेशेंट को चेक करते रहे कि कहीं स्टोन अटक तो नहीं रहा, कहीं क्रिएटिनिन बढ़ तो नहीं रहा, कहीं स्टोन बढ़ तो नहीं रहा। और अगर धीरे धीरे स्टोन 1 सेंटीमीटर, 8 mm, 6 mm, 4 mm होते होते घुल रहा है, तो हम दवाइयाँ चालू रखते हैं। What is the cost of PCNL surgery? तो पहली सर्जरी होती है PCNL। PCNL मतलब कि गुर्दे के अंदर छेद करना, छेद करके जाके स्टोन को तोड़ के निकालना। PCNL एक साइड का, अगर स्टोन का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है तो तकरीबन 60,000 से 65,000 रुपये में किडनी स्टोन 2 दिन के स्टे के साथ PCNL में निकल जाता है। पर अगर स्टोन बड़ा है, पहले सर्जरी हो रखी है, इन्फेक्शन है, पर्स है, बुखार है, ओल्ड है, तो ये रेट बढ़ भी सकता है। तो नॉर्मली यूरोलॉजिस्ट आपको आपकी फैसिलिटी के हिसाब से इसका प्राइस बताएंगे। अगर आपका इंश्योरेंस है तो मोस्ट इंश्योरेंस कंपनियां किडनी स्टोन को 3 साल के बाद कवर करती है। मतलब अगर आप इंश्योरेंस आज लेते हैं तो आपको 3 साल के बाद किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको अल्ट्रासाउंड में किडनी स्टोन है तो इंश्योरेंस कंपनी इसको ना बताए तो बेटर है, क्योंकि अगर पुराने अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। What are laser RARs and URs and what are their surgery cost? इसमें पतली दूरबीन होती है जिसको हम पेशाब के रास्ते चढ़ाते हैं और चढ़ा के किडनी का स्टोन है उसको लेज़र से तोड़ते हैं। क्योंकि वो दूरबीन महंगी है, लेज़र महंगा है, तो इसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, तकरीबन 15,000 से 20,000 रुपये ज़्यादा है PCNL से। पर फ़ायदे कितने हैं? फ़ायदा है कि आपको दर्द नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होती, छेद नहीं होता, किडनी में कोई इंजरी डैमेज नहीं होता, आप सेम डे घर जा सकते हैं, अगले दिन से काम पर जा सकते हैं, आपको छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी अपने काम में लग सकते हैं। तो 15,000 से 20,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके आपको ऑलमोस्ट हफ्ते 10 दिन का रेस्ट, हफ्ते 10 दिन की जो जॉब में लॉस है, हफ्ते 10 दिन की छुट्टियाँ आपकी बच सकती है। ये RARS भी आज के दिन इंश्योरेंसेज में कवर्ड है, पर इंश्योरेंस कंपनियाँ कई बार लेज़र कंपोनेंट के पैसे नहीं देती, तो कई बार मरीज़ अपनी तरफ से 15,000-20,000 रुपये ऐड करके ये अच्छी टेक्नोलॉजी ऐड कर सकते हैं। हमारे सेंटर गोविंदा मेडिकल सेंटर में दोनों टेक्निक्स अवेलेबल है। PCNL के सारे वेरिएबल्स, RARS के सारे वेरिएबल्स हमारे सेंटर पर अवेलेबल है पेशेंट्स के लिए, और कई सालों से पेशेंट इकोनॉमिकली अपनी किडनी स्टोन को हमारे सेंटर पे चीपेस्ट इन दिल्ली विथ बेस्ट लेज़र एंड जर्मन इंस्ट्रूमेंट से अपने किडनी स्टोन्स को ठीक करा रहे हैं। और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे या हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पे किडनी स्टोन के लायक कोई समस्या हो तो हमें संपर्क कर सकते हैं। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best.